हेलो डियर सेंस, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप मूल कंसेप्ट के माध्यम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे। अगर आप मूल कंसेप्ट का स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले आप एक चीज़ सीख लेंगे, आप 9th क्लास में सीखे होंगे कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है, ठीक है। मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उसी तरह अगर आप बात करें कि न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास और पी के मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पता करना है, यहाँ पर हमको न्यूट्रॉन पता करना है किसके माध्यम से, मूल कंसेप्ट के माध्यम से। और आप ये भी जान जाए कि जैसे अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, ए माइनस पी का यूज करेंगे, ये लास्ट में आपको आने वाला है। तो क्वेश्चन है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मास, ग्राम में मास बटा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु भार, ठीक है। ग्राम में मास बटा परमाणु भार। तो जब ग्राम में मास दिया है, कितना दिया है, ग्राम में मास आपको 7 दिया है, तो मोल बराबर हो जाएगा 7 बटा। और यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। नंबर ऑफ मोल निकल गया। उसके बाद से निकालना है परमाणुओं की संख्या। क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो मैंने आपको मूल कंसेप्ट बताया था कि परमाणुओं की संख्या क्या होता है, मूल गुणे एवोगाड्रो नंबर, मूल गुणे एवोगाड्रो। तो मूल कितना है, 1/2। एवोगाड्रो कितना होता है, 6.022। 10 के पावर कितना होता है, 23 होता है। ये मैंने बहुत पहले बताया था। अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 1/2 6.022, ठीक है, 22 10 के पावर 23। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3.011 10 के पावर 23। क्या हो गया, परमाणु हुआ, ठीक है, इतना परमाणु हुआ, 3.011 10 के पावर 23 परमाणु। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है न्यूट्रॉन। अब बात आ गई न्यूट्रॉन वाला, जो हमने अभी आपको बताया। क्या बताया, कि एक परमाणु नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक परमाणु नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो एक मतलब परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14, 14 माइनस पी के मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 7, तो हो जाएगा 7। यानी कि एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कितना परमाणु आया था, इसलिए 3.011 10 के पावर 23 परमाणु एटम्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 3.011 10 के पावर 23। तो हो जाएगा 7 × 7, 7 × 7, 0, 7 × 21, 3×10। इतना गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 23, और ये हो गया न्यूट्रॉन। तो इतना न्यूट्रॉन आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 21.07 में 10 के पावर 23 न्यूट्रॉन। ये बात आप ध्यान देंगे। तो शॉर्टकट, शॉर्टकट में कैसे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन में शॉर्टकट कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, ठीक है, न्यूट्रॉन बराबर क्या निकालेंगे, सीधी सी बात है, आप मोल निकालेंगे, ठीक है।
मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप वहीं पे जाएंगे लेकिन ध्यान देंगे मोल निकालने के लिए आप शॉर्टकट सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आपको मोल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, न्यूट्रॉन बराबर परमाणु, यानी कि परमाणु में ही न्यूट्रॉन निकलता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद से गुणा कर देंगे एक एटम में न्यूट्रॉन की संख्या से, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दूसरा क्या है, क्वेश्चन में दूसरा क्या है, 24 ग्राम मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, कैसे निकलेगा, मैंने अभी तो बताया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मास बटा एटॉमिक मास। 24 मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है, 24 में एक हो गया, ठीक है। इसे नंबर ऑफ एटम्स मतलब परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या कहते हैं मोल गुणे मोल, एक आया था एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। अब क्या पता करना है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस पी, तो ए 24 कितना होता है, 24 माइनस पी मतलब प्रोटॉन संख्या, तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 हो जाएगा, ठीक है, गुणे हो जाएगा 6.022 10 के पावर कितना 23, तो 12 और 24 में से 12 गया 12, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन बराबर 12 गुणे 6.022 10 के पावर कितना 23, गुणा कर देंगे 12 दुना 24 के 4, 12 दुना 24 के 25, 12 छके 72 10 के पावर 23, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऊपर निकल गया है 3 अंक बाद 72.25 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह के माध्यम से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक्स है, और वीडियो अच्छा तो लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे।